श्री राधे राधे, आज एकादशी है तो चलिए चलते हैं प्रभु की शरण में भागवत के जरिए। ठीक है, तो भागवत का ये पाठ है, हम लोग जो 20वां कर चुके हैं, अब 21वां अध्याय हम आज देखते हैं, आज श्रवण करेंगे, जिसमें प्रभु ने गुण दोष व्यवस्था का स्वरूप और रहस्य बताया है। ये हमारे श्री कृष्ण प्रभु श्री कृष्ण जो है उद्धव को ये ज्ञान दे रहे हैं। आइए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, मुझे प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं। भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग का उल्लेख मैंने तुमसे किया है। इन्हें छोड़कर जो व्यक्ति इंद्रियों भोग में लगे रहते हैं, वे जन्म मृत्यु के चक्र में फंसकर विविध विविध योनियों में भटकते रहते हैं और नारकीय दुख उठाते हैं, यानी कि नरक लोक से भी भयंकर दुख उठाते हैं। उद्धव, अपने अपने अधिकार के अनुसार धर्म में निष्ठा रखना ही गुण होता है, गुण कहा जाता है, और इसके विपरीत बिना अधिकार के चेष्टा करना दोष कहलाता है। गुण दोष की मूल व्यवस्था अधिकार के अनुसार की जाती है, किसी वस्तु के द्वारा नहीं, वस्तुओं के समान होने पर भी शुद्ध अशुद्धि, गुण दोष और शुभ और अशुभ आदि का विधान किया जाता है। इसका अभिप्राय पदार्थ के ठीक ठीक निरीक्षण से ही है। इसके द्वारा समाज का व्यवहार और धर्म संपादन ठीक प्रकार से चल सके और जीवन निर्वाह में भी सुविधा हो, इस बात का ध्यान रखा जाता है। इससे यह भी लाभ है कि मनुष्य वासनाओं के जाल में नहीं फंसता और अपने जीवन को नियंत्रण करके मन को वश में कर लेने पर भरपूर प्रयास करता है। प्रिय उद्धव, श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, यद्यपि सभी मनुष्य के शरीर में पंचभूत समान रूप में होते हैं, परंतु वेदों के द्वारा इन्हें वर्ण आश्रम में बांट कर यह प्रयास किया गया है कि ये अपने अपने धर्मों के अनुसार अपनी अपनी वासना क्रम प्रवृत्तियों को नियंत्रण करके धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों को पुरुषार्थों को सिद्ध करें, यानी कि अपनी अपनी काम वासना, यानी कि जैसे कि हमारे हमारे लोभ हो गया, काम वासना हो गया, धन की लालच हो गया, पाने की, अधिक से अधिक पाने की, ये सब कामना ही तो है, तो इन सबको नियंत्रण के लिए प्रभु कहते हैं। ये सब मर्यादा को ध्यान में रखकर किया गया है। देश काल की पवित्रता अपवित्रता भी इसी आधार पर तय होती है। जिस देश में कृष्णा अनुसार मृग और साधु भक्त न हो वह देश अपवित्र है, संस्कार रहित ऊपर उसर प्रदेश और संत विहीन स्थान भी अपवित्र है। समय वही पवित्र है जिसमें कर्म करने योग्य सामग्री सहजता से उपलब्ध हो सके, जिसमें कर्म ना हो सके वह समय अपवित्र है। संस्कारों और वचनों और जल से भी मनुष्य पवित्र और पवित्र होता है, यानी कि अगर आपके वचन खराब है तो आप अपवित्र हैं। अगर आप अपने वचनों को संयम रख के अगर शुद्ध वाणी बोलते हैं तो आप पवित्र हैं। शुद्ध संस्कार, शुद्ध वचन और शुद्ध जल मनुष्य को पवित्र करता है, जबकि अशुद्ध संस्कार वचन और जल से अपवित्र कर देता है। तत्काल पकाया हुआ अन्न शुद्ध होता है और बासी खाना अशुद्ध होता है। इसी प्रकार शक्ति शक्ति अशक्ति, बुद्ध मूर्खता, वैभव और दरिद्रता में भी शुद्धि और अशुद्धि मानी जाती है। देश काल यह अवस्था के अनुसार कहीं जल मिट्टी से शुद्धि करनी पड़ती है तो कहीं इसमें अशुद्धि भी हो जाती है। उद्धव, शुद्धि अशुद्धि आदि से तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शुद्ध होकर अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की भ्रांति कर्मों को आचरण करना चाहिए। जिन पदार्थों का प्रयोग पूजा में किया जा रहा हो वह सभी शुद्ध होने चाहिए। देश काल पदार्थ कर्ता मंत्र और कर्म इन छहों को शुद्ध करके कर्म करने से धर्म अनुष्ठान शुभ होता है, अन्यथा अधर्म कहलाता है। ब्राह्मण के लिए संध्या
वंदना, गायत्री जप, पूजा पाठ, संस्कार, कर्म आदि गुण हैं, जबकि शूद्र के लिए इन्हें दोष माना जाता है। दूध का व्यापार वैश्यों के लिए गुण है तो ब्राह्मण के लिए इसे निषिद्ध माना जाता है। जो लोग पतित हैं और पतितों को जैसा आचरण करते हैं उन्हें पाप नहीं लगता, किंतु जब श्रेष्ठ ऐसा आचरण करते हैं तो यह उनका दोष बन जाता है। पत्नी का साथ एक गृहस्थ के लिए पाप नहीं है, जबकि एक सन्यासी के लिए महापाप बन जाता है। उद्धव, जो पहले से ही गिरा हुआ है, पतित है, वह कहाँ गिरेगा? उसका पतन क्या होगा? मनुष्य जिन गुण दोष को छोड़ देता है वह उनसे मुक्त हो जाता है। मनुष्य के लिए इसी कारण वैराग्य का मार्ग परम कल्याणकारी माना गया है। यह शोक, मोह और भय को मिटाने वाला है। किसी वस्तु में मोह हो जाने से उसे पाने की लालसा उत्पन्न हो जाती है और वह लालसा में विघ्न पड़ जाने से कलह की स्थिति बन जाती है। कलह से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध होने से हित अहित बोध नहीं रह पाता, उसे अज्ञान जकड़ लेता है। इस अज्ञान से मनुष्य की शुद्ध चेतना नष्ट हो जाती है। चेतना लुप्त होने पर मनुष्यता जाती रहती है और उसमें पशुता आ जाती है। ऐसी स्थिति में ना तो उसका स्वार्थ सिद्ध हो पाता है ना परमार्थ। उद्धव, इसमें कोई संदेह नहीं है कि संसार के विषय भोगों में, प्राणों में और सगे संबंधियों में सभी मनुष्य जन्म से ही आसक्त होते हैं। यह आसक्ति उनकी आत्मोन्नति में बाधक और अनर्थ का कारण होती है। विषय वासनाओं में फंसे हुए लोग दीनहीन, लोभी और लंपट होते हैं। वे सदैव सार्वग्रिक आनंद की कामना करते रहते हैं। वे यज्ञों को ही मुक्ति का साधन मान बैठते हैं। वे लोग ये भूल जाते हैं कि मैं उनके हृदय में बैठा हुआ हृदय में बैठा हुआ है रूप से उनके समस्त क्रियाकलापों को देखता रहता हूँ। वे स्वाभाविक संध्या पूजन आदि न करके पशु बलि द्वारा हिंसा का खेल खेलते हैं और अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए वध किए गए पशु के मांस से यज्ञ करके देवताओं को और पितरों को तृप्त करने का ढोंग करते हैं। उद्धव, ये स्वर्ग आदि परलोक के दृश्य स्वप्न के समान है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। सकाम पुरुष वहाँ के भोगों के लिए अनेक प्रकार की कल्पनाएं कर लेते हैं और अपने सकाम यज्ञों के द्वारा अपने धन का विनाश कर लेते हैं। वे स्वयं रजोगुण और तमोगुण में स्थित रहते हैं और सत्वगुणी होने का दिखावा करते हैं। उन्हें मेरी पूजा में विश्वास नहीं रहता। वे झूठे घमंड में पड़के सार्वगिक सुखों की कल्पना में ही जीते रहते हैं और नष्ट हो जाते हैं। उद्धव, कर्म, उपासना और ज्ञान द्वारा ब्रह्मा और आत्मा की एकता का प्रतिपादन किया जाता है। वेदों में जिस शब्द ब्रह्मा की उपासना का उल्लेख है वह मैं ही हूँ और वह शब्द परम ब्रह्मा, ब्रह्मा विद्या पश्यंती मूलाधारी नाभि हृदय और कंठ से उत्पन्न मध्यमा वाणी के रूप में प्राण मन और इंद्रियम में है। समुद्र के समान सीमा रहित और गहरा है, उसकी था पाना अत्यंत कठिन है। उद्धव, में अनंत शक्ति संपन्न और स्वयं अनंत ब्रह्मा हूँ। मैंने ही वेद वाणी का विस्तार किया है। यह वाणी हृदयगत सूक्ष्म ओंकार द्वारा अभियुक्त होती है। यह वेद वाणी कर्म कांड, ज्ञान कांड और भक्ति उपासना कांड में किन देवताओं का वर्ण करती है उसे मेरे सिवाय कोई नहीं जानता। इस श्रुतियाँ और वेद कर्म कांड में मेरा ही विधि विधान करती हैं। उपासना कांड में उपास्य देवताओं के रूप में मेरा ही वर्णन करती हैं और ज्ञान कांड में आकाश आदि रूप में मुझ में ही अन्य वस्तुओं का आरोप करके उनका निषेध भी कर देती है। अंत में एक ही मैं ही रह जाता हूँ। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो ये 22वां अध्याय था। तो आप सभी को
और प्रभु जरूर आप सभी को आशीर्वाद दें। इसी के साथ हमारा ये 21वां अध्याय पूर्ण हुआ, हम अगला जरूर करेंगे। श्री राधे राधे।